अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद साहिबा। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह आपकी पसंदीदा वीडियो व्लॉग में मैं रहबो साहब के गांव में आज हम आए हैं और मुहर्रम है यहां दुआ करने, और कुछ घरों में जाना था, मिलना था सब खालाओं से। अभी हम छोटी खाला के घर से आ रहे हैं उनसे मिलके, और उन्होंने बड़े उनके घर में अमरूदों का दरख्त है और उससे उन्होंने हमारी तवाज़ो की खातिर और हमने कहा हमने खाना नहीं खाना क्योंकि मामू के घर पे खाना है। इनके मामू जो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं और सबको ही बहुत प्यार करते हैं और उन्हें भी सब लोग बहुत प्यार करते हैं, और उनके घर हम जा रहे हैं खाने के लिए। रहमो साहब मौजूद हैं मेरे साथ और वो वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। ओह कितनी ठंडी ठंडी फलाई का दरख्त। अच्छा जी, और इस वक्त रोड पे गली में कोई नहीं है इसलिए मैंने सोचा कि मौके से फायदा उठाया जाए और वीडियो बना ली जाए, क्योंकि आप लोग इस तरह की वीडियोस मेरी बहुत पसंद करते हैं, शौक से देखते हैं, और जो मुल्क से बाहर लोग रहते हैं वो बहुत पसंद करते हैं। और ये पठान बच्चियाँ जी, बाय बाय। जो मुल्क से बाहर लोग होते हैं, कई लोगों ने मुझे ऐसे मैसेज किए जो यहीं से गए हुए हैं, तो वो तो बाकायदा बड़े आंखें उनकी नम हो जाती हैं पुरानी यादें देखकर। और ये इनके छोटे भाई हैं वहीद, उनका ससुराल है, मेरी जो देवरानी है उनकी अम्मी का घर है, और ये भी एक रास्ता है, यहाँ से हम इनकी बहन के घर जाते हैं। और पहाड़ भी दिखाए यहाँ से, कितना खूबसूरत नजारा है पहाड़ों का। अच्छा, और कोई नजर कोई नहीं आ रहा, ये हमने इसलिए मौके से फायदा उठाया कि वीडियो बना ली जाए, और चलते हैं जी। इनकी बहन बच्चे आगे आगे जा रहे हैं और हम सब लोग मिलकर जा रहे हैं। मामू के घर भी हमारी बड़ी खातिर होने वाली है, लगता है कि यहाँ से हम मोटे ताजे होकर जाएंगे, वेट गेन करके जाएंगे। देसी मक्खन और देसी अंडे और पराठे रैम्बो साहब खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ, मैं तो चखती हूँ ये खाते। और ये कब्रिस्तान है इसके पीछे, यहाँ रैम्बो साहब के सारे बुजुर्ग वगैरह सब रिश्तेदारों का है, वो यहाँ पे दफन है। हाँ, रैम्बो साहब के नाना। और ये दूसरे मामू का घर है, छोटे वाले का। अच्छा, ये लो, ये जो घर है बाहर से कच्चे हैं, लेकिन कच्चे नहीं मतलब इस तरह के लगते हैं, लेकिन अंदर से पूरी हर तरह की फैसिलिटीज शहरों में मौजूद है। हाँ, लेकिन अब वो कच्चे मकान ही नहीं रहे, मजा ही नहीं आता ही। सब पक्के मकान। खान खेल हाउस, पहले भी इनके घर के बाहर खान खेल हाउस लिखा होता था, और पिंडी वाले घर के बाहर भी खान खेल हाउस लिखा हुआ ना। हाँ, और अब ये हमारे हैं मामू के घर। चले चलते। हाँ जी, अच्छा, मामू के घर जाहिर है यहाँ पे पर्दे की खास वो होता है कि पर्दा करती है खवातीन, तो अंदर की वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाई, लेकिन अब बाहर आकर हमने खाना बहुत अच्छा खाया, बहुत मज़ेदार खाना था। और ये मेरे जो देवर हैं, ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से अंगूर भी दिखा दें ज़रा। आप सातवीं मुहर्रम है तो हमने न्याज देनी है। ये मेरे देवर हैं वहीद खान साहब, ये बिलाल हैं, सऊदीया में होते हैं, रैम्बो साहब के मामू के बेटे, और इनको तो आप जानते हैं, वहीद खान साहब मेरे देवर, रैम्बो साहब के भाई। और ज़रा क्लोज करके दिखाएं, शक्ल मिलती है कि नहीं शक्ल मिलती है काफ़ी ज़्यादा। और इधर आ जाए। अच्छा, सातवीं मुहर्रम है और अब हम देंगे हमेशा की तरह दूध की न्याज। जी,
न्यास तैयार हो चुकी है और घर के बच्चों से ही हम शुरू कर रहे हैं। और बच्चे देखो लाइन में कैसे डिसिप्लिन से लगे हुए हैं। मैंने इनको हाँ बिल्कुल और थोड़ा थोड़ा ताकि जाया ना हो। अच्छा जी यासिर आए और ये बाहर ले जाए, बाहर भी बच्चों में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे बच्चों में ज्यादा। अस्सलामुअलैकुम, इस वक्त मैं आई हूँ इलियासी मस्जिद। रैम्बो साहब से काफ़ी दफ़ा इसके बारे में सुना है और लोगों से भी बड़ी इसके बारे में हमने बातें सुनी है। बड़ी तारीखी मस्जिद है और आज जैसे प्रोग्राम बना तो हम यहाँ पर आए हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर जो पानी आ रहा है वो किस तरह आ रहा है, आइए देखते हैं। ये है वो पानी, ये देखिए कितने प्रेशर से आ रहा है, कितने प्रेशर से आ रहा है और थोड़ा और बहुत ठंडा पानी है। पकौड़े मिलते हैं वो तो मैंने जरूर खाने हैं, वो भी जरा आपको दिखाती हूँ। अच्छा मस्जिद तो आपने देख ली, ये यहाँ के अल मशहूर पकौड़े हैं जो खाने के लिए बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं और यहाँ आया जाए और पकौड़े ना खाए जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा कौन कौन से पकौड़े हैं, मैं तो देख रही हूँ यहाँ आलू के, प्याज के, अच्छा प्याज के पकौड़े भी हैं, आलू के भी हैं और अंडे के भी पकौड़े हैं और समोसे और रोल। अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ें रमज़ान में खाई जाती हैं लेकिन यहाँ पर तो रोज़ ही लोग दूर दूर से खाने आते हैं। ये सबसे पुरानी दुकान है तो इनसे पूछते हैं कि ये दुकान कितनी पुरानी है। बहुत पुरानी दुकान है, 80-90 साल हो गए। 80-90 साल पुरानी दुकान है और अभी तक माशाल्लाह रोज उसी तरह पकौड़े बिक रहे हैं और खा रहे हैं। देखें जी इतनी देर से खड़े हैं लाइन में और अभी तक बारी नहीं आई हमारी। अच्छा
का सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे पकौड़े वाले हैं, और उधर भी रश है, और ये यहाँ बाकायदा बैठ कर पकौड़े खाए जाते हैं मजे से। वो देखिए पीछे फैमिलीज आई हुई है, सारी फैमिलीज यहाँ बैठ कर आराम से खाती हैं, और बड़ा अच्छा लगता है फैमिलीज जब इकट्ठे बैठ कर इस तरह निकलते हैं खाना खाते हैं।